क्या आपने सोचा है कि इन्हीं आर्टिकल्स के द्वारा हम उनके परिवार वालों तक पहुंच सकते हैं? सोचा है आपने? डॉक्टर सिमरन का नया लक्ष्य, ऐश के लिए चाहिए आजादी। समय की आंच में तब कर अपना अस्तित्व बनाया है मैंने, किसी को इतनी आसानी से उसे बिखेरने नहीं दूंगी। तीर निशाने पर लगा है मिस्टर तुम। अब देखता हूँ डॉक्टर सिमरन का नारी आंदोलन कितना प्रभावशाली बनता है। ये जो अभिमन्यु है ना, ये सिमरन का पहला प्यार था। अभिमन्यु और तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा है। पापा कौस्ता, पापा मिलने आया आपसे। मेरा बच्चा इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जादू नहीं दिया था आपको। ये आपको इस पर बैठना अच्छा लगता है ना? क्या इसे मेरे पीठ पर बैठकर खेलना अच्छा लगता है? क्यों आस्था, आजा बेटे, आजा माजा, आजा तुम्हारी दवाई का बच्चा। चल जरूरी है, इसे मैं अपने पीठ पर बिठा सकता हूँ। साथ नहीं चलोगी? अब ये घर तुम्हारे लिए नया नहीं है मम्मी, तुम जाके आराम कर लो, अकेली नींद आ जाएगी तुम्हें। ओके, देयर इज नो नीड टू बी स्केयर्ड। शगुना और मैं भी हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी हमें बुला लो। अभी आए हैं ना, मुझे कुछ बातें करनी है उनसे। कैसे हो? ठीक हो, तुम कैसी? मैं ठीक हूँ। आस्था को ले जाओ शगुन। अरे थोड़ी देर खेलने दो ना, इसके सोने का वक्त हो गया। अभी मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। क्यों? जाहिर है तुमने भी अखबार पढ़ा होगा, अभी ये देखने आए हो ना जो छपा है वो सच है कि नहीं। अखबारों की बात पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, तुम जानती हो। तो आज अचानक कैसे आ गए, अभी बिना कुछ बताए, बिना फोन किए? मैं अभिमन्यु को देखने के लिए आया हूं। वो सब अभिमन्यु को जिसके नाम पर तुमने मुझसे शादी की थी। फॉर हेवन से कभी, मैं कई बार तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। फिर क्यों बार बार एक ही बात को रेत रहे हो? क्योंकि दिल नहीं मानता सिमरन। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा था? मैंने तुमसे प्यार किए बगैर ही शादी की है? अभी मैंने पूरी ईमानदारी से तुमसे प्यार किया है। अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो तुम शायद भूल गए, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है अभी जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था रेस्टोरेंट में। मैं तुम्हें यही सारी बातें बताने आई थी, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। तुमने कहा था अभी कि तुम्हें मेरे पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कहने आई हूं मैं। आपकी जिंदगी में कोई था जो आपको पसंद करता था? तुम्हें कैसे पता चला? पता चलने की जरूरत नहीं है। आप जैसी खूबसूरत लड़की को जिंदगी में किसी ने पसंद ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जाने कितनों के दिल धड़के होंगे, उनमें से कितनों ने हिम्मत की होगी आप तक पहुंचने की, ये तो आपको भी नहीं पता। देखो मैं तुमसे सीरियसली कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं सीरियसली सुनना नहीं चाहता। मेरे लिए आपका अतीत कोई मायने नहीं रखता। जो गुजर गया वो गुजर गया। मुझे आज और अभी से मतलब, आपका अभिमन्यु अभी की बात जानना चाहता है। मैं आपका अभी हूं। आप एक बात बताइए, मैं आपको अच्छा लगता हूं ना?
When I fell in love with you, भूल गई अपना अतीत. मनु मेरी जिंदगी से 10 साल पहले ही जा चुका था अभी. फिर उसकी यादें भी चली गई. तुम्हारे प्यार ने उसकी यादों पर इतना गहरा पर्दा डाल दिया था कि तुम्हारे सामने ना मुझे कुछ याद आता था ना ही कुछ दिखता था. अब तुम इन बातों पर यकीन करो या ना करो, सच यही है. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग लविका. मॉर्निंग डॉक्टर. मॉर्निंग. सिमरन क्या अभी आ रही हो तुम? क्या हुआ सिमरन? क्या हुआ? क्या पूरा स्टाफ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे नाराज है मुझसे? उनकी बातें मैं भी सुन रही हूँ सुबह से. मुझसे भी ये लोग घुमा फिरा कर तुम्हारे और डॉक्टर अभिमन्यु के बारे में सवाल पूछ रहे थे. मैंने इग्नोर किया. देखो सिमरन, अखबार वालों ने जिस तरह से तुम्हारे बारे में छापा है लोग तो सच्ची समझेंगे ना. अभिमन्यु को मेरे घर है एक दिन नहीं हुआ और ये बेहुदा खबर छप भी गई. ये बात तुम्हें समझनी चाहिए सिमरन. तुम एक पब्लिक फिगर हो, मशहूर हो और नाम हुआ है तो बदनामी भी बहुत जल्दी ही होती है. लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब ऐसे लोगों को नजरों से गिराया जाए, चाहे किसी के फायदे के लिए या सेंसेशन क्रिएट करने के लिए. देखो सिमरन, मैं तुम्हारा मोटिव समझती हूँ, पर किस किस के सामने अपने को इनोसेंट प्रूव करती रहोगे तुम? लोगों के मुंह तो बंद किए नहीं जा सकते जीजा. अपने अपने कर्मों से उन्हें खामोश किया जा सकता है और यही सही तरीका है जवाब देने का. और सिमरन ये अच्छी तरह जानती है. सिमरन लोगों की परवाह करने वालों से है ही नहीं. लोगों की? अरे उसने मेरी परवाह नहीं की जीजा. जब भी कोई फैसला लिया है अपने दम पर, अपने विश्वास पर लिया. लेकिन इस बार मैं उसके साथ हूं. अभिमन्यु से शादी के खैर छोड़ो जीजा, इस बार मैं अपनी बेटी के साथ हूं. दुनिया के तानों, दुनिया के इल्जामों से उसे बचाने के लिए मैं उसके साथ हूं. यस. मुबारक, बहुत नाम कमा रही है आपकी बहू. अभी तक तो आपके मुंह से ही उसके सिद्धांतों और संस्कारों की तारीफ सुनती रही, अब तो अखबार में भी चर्चे होने लगे हैं. महिलाओं का उद्धार करते करते अपना ही उद्धार कर लिया है उसने. क्यों खामोश क्यों हो गए? अब तक तो सिमरन के बारे में जो छपता है बड़े जोश से सुनाने चले आते थे मुझे, लेकिन इस खबर के बारे में नहीं बताया. दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं. वो तो पड़ोसियों ने कहा तो मैंने भी अखबार उठाकर देख लिया. हाँ वैसे बात तो है छिपाने लायक. उसके घर वाले तो मुंह छिपाकर घर में बैठे होंगे. मिस्टर माथुर से बात हो ना तो मेरी तरफ से भी पूछ लीजिएगा. इस औरत के कैरेक्टर को तो मैं पहले से ही जानती हूं.
जब पहले शादी नहीं हुई तो 10 साल छोटे लड़के को फंसा कर शादी कर, और अब जब फिर से अकेली हो गई तो घर में ही बुलाकर बिठा लिया किसी को। मैं ये सब नहीं कह रही, इस अखबार में लिखा ये जो छपा है इस पर विश्वास करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, डॉक्टर अभिमन्यु जोशी मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट है, और एक डॉक्टर और एक पेशेंट का रिश्ता क्या होता है ये आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक डॉक्टर जब अपने मरीज के शरीर पर हाथ रखता है तो उसे छूने के लिए नहीं रखता, उसे ठीक करने के लिए रखता है, और डॉक्टर अभिमन्यु जोशी एक मेंटल पेशेंट भी है। लेकिन डॉक्टर आप तो साइकियाट्रिस्ट नहीं है, फिर उसका इलाज आप क्यों करेंगे? इसका जवाब आपको जल्द मिल जाएगा। इस वक्त मैं आप सबसे कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि आज अगर मैंने कुछ भी कहा तो आपको लगेगा कि मैं अपनी तरफ से सफाई दे रही हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, और मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकती हूं कि आप सब मुझ पर भरोसा करें कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। डॉक्टर हमने आप पर हमेशा ट्रस्ट किया है, इसीलिए तो हैरान हूं मैं कि आप सब मुझसे नाराज क्यों हैं। वक्त इस वक्त मुझे आजमा रहा है और मैं पीछे नहीं हटने वाली। हाँ, अगर आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरा साथ छोड़ सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं डॉक्टर, अच्छा हुआ जब आपने हमें बुलाकर बात की, हमारी गलतफहमी दूर हो गई। आप सब अपने हैं इसलिए मैं आपको समझा सकी, वरना लोग अपनी राय बना ही लेते हैं, तमाशा बना देते हैं। इतने सालों में पहली बार देखा कि सिमरन की इस हरकत के लिए तेरे पापा के पास कोई जवाब नहीं था, ऐसे चुप बैठे थे जैसे सांप सूंघ गया। मैं गया था अभिमन्यु को देखने। क्या देखा, क्या कर रहा था वो वहां? कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन सिमरन ने उसको अभिमन्यु नाम से बुलाया तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे। अब तो समझ आ गया ना, देख लिया ना तूने, उस अभिमन्यु की दोस्ती के चक्कर में ही उसने तुझसे शादी की, कॉलेज में फ्रेंड था उसका, बॉयफ्रेंड। ठीक है ना मामा, वो अपनी जिंदगी में क्या करती है क्या नहीं करती है वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से। हमें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, एक अभिमन्यु से प्यार किया, दूसरे अभिमन्यु से शादी। अरे मामा चुप रहिए प्लीज, मैं सिमरन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और आप अपने आप को परेशान मत करिए। कल तलाक हो जाएगा, बस सब कुछ खत्म उसके बाद। हेलो बेटा। हाय पापा। पापा आप मुझे फोन कर देते ना कि आप आ रहे हैं, मैं बस मीटिंग के लिए निकल रही हूँ। तो निकलो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं तो वो हेल्पलाइन है ना हमारी, उसकी भी आज यहाँ मीटिंग है, इसलिए। हेल्पलाइन की मीटिंग यहाँ पर? हाँ। आस्था में मीटिंग है और मुझे नहीं पता? पापा आप ना झूठ भी नहीं बोल सकते हो मुझसे। आप ये देखने आए ना कि आस्था में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? वो तो मैं हमेशा जानना चाहता हूँ बेटा, उसमें नई बात कौन सी है? एवरीथिंग इज फाइन पापा, मैंने अपने स्टाफ मेंबर से बात कर ली एंड दे आर ऑल विद मी। चलो तसल्ली हुई, दैट्स वेरी गुड। तो तुम ये कौन सी मीटिंग में जा रही हो? वुमेन स्टेट काउंसिल की मीटिंग है पापा, मैं औरतों की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ। वाओ, चलो तुम चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। मैं भी सोच रहा हूँ कि आस्था को मिल लूँ। आप आस्था से मिलने जा रहे हैं या डॉक्टर जोशी से? नहीं, आप ये देखना चाहते हैं ना कि वो कितना रिकवर हुए हैं? कम ऑन, मैं जानती हूँ पापा। Okay, Mickey Mouse.
क्रिकेट पसंद है? फुटबॉल? कौन सा स्पोर्ट पसंद है? मुझे मुझे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे जैसे बहादुर आर्मी डॉक्टर्स की दिलचस्पी तो देश सेवा में ही है। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में जहाँ एक तरफ गोलाबारी हो रही हो, सिपाही जख्मी हो रहे हो, वहाँ पहुंचकर उनका इलाज करना, एक कैंप से दूसरे कैंप में मेडिकल सप्लाईज लेकर जाना, तुम्हें नहीं लगता कि एक आर्मी डॉक्टर न सिर्फ सिपाहियों का इलाज करता है बल्कि उनका मोरल बूस्ट करता है? नहीं आता, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद नहीं आ रहा। रिलैक्स मैम, पानी लाता हूं। और लोगे? मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि हमने एक हेल्पलाइन खोली है और उसमें आजकल हम तुम्हारे जैसे आर्मी डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं। मैं यही बताना चाह रहा था कि हम ये काम कर रहे हैं मदद का। सोल्जर को यह जानने के लिए जब वो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा कर रहा हो तो पीछे उसका परिवार, उसका प्यार, उसका देश उसके साथ हो। जरूरी है यह जानने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच डॉक्टर सिमरन मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानती हैं, ये कितनी काबिल डॉक्टर हैं। इनकी आस्था नर्सिंग होम से आज तक कोई औरत निराश नहीं लौटी। इन्होंने विदेश में हमारी देश की चिकित्सा के प्रति सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। इन दिनों ये महिलाओं में न सिर्फ उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर रही हैं बल्कि शोषित और असमानता की शिकार महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रही है। आइए डॉक्टर सिमरन, अब ये मंच आपका हुआ। नहीं सुनना है डॉक्टर सिमरन, हमें आपका भाषण नहीं सुनना। अखबार में आया था ना कि इस डॉक्टर को ऐश करने के लिए आजादी चाहिए और पराए मर्द के साथ रहने के लिए अधिकार। हमारे समानता की बातें ये करेगी हमसे? ये तो खुद एक पराए मर्द को अपने घर में लेकर आई है, बेशरम कहीं की। हमको पता होता कि ये यहाँ पे आने वाली है तो हम यहाँ पे कभी नहीं आते। चलो यहाँ से। अरे ये आप लोग क्या कर रही हैं, बैठिए। इसकी बात सुनने को हम हमारी बहू बेटियों को यहाँ नहीं लाए थे। चलो यहाँ से, चलो। डॉक्टर सिमरन, आप जैसी औरतें अवार्ड पाने के लिए और मशहूर होने के लिए स्त्रियों के सम्मान और समानता की बहुत बातें करती हैं, लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके कर्म कुछ और ही कहते हैं। डॉक्टर सिमरन ने हमारी समस्याओं का मजाक बना के रख दिया है। चलो यहाँ से।